आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। हेलो टू ऑल, आई एम अमायरा साके एंड आई एम परसुइंग बीएससी पार्ट फर्स्ट एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड टुडे वी हैव आवर एकेडमिक डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी सर विद अस। वेलकम सर इन द काउंसलर शो। थैंक यू। एंड सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी लगती है, पर सर जब मेरे सामने लोग आते हैं तो मैं बोल ही नहीं पाती। मेरे मन में होता है कि मुझे ये भी बोलना है, ये भी बोलना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर सर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती। चलिए इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस स्टडी को अपन रिव्यू करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंटरेस्ट है और वो आपको इंटरेस्ट आपका मिलता नहीं है, आप बोल पाते नहीं है, तो इसका स्वाभाविक इसका जो आउटकम है वो आउटकम ये होगा कि आपको इरिटेशन होने लगेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन फील होने लगेगा, आप में एंगर आएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको मिल नहीं रही है। सो इज़ इट राइट कि आपको इरिटेशन होता है, कभी कभी एंगर होता है और वो एबनॉर्मल हो जाता है और लोग चौंकने लग जाते हैं, ये लड़की इतनी शांत, हमारा इसको क्या हो गया, ये ऐसे कैसे बोल रही है, इज इट राइट? यस सर होता है। ग्रेट। तो हमारा इसमें अब ये तो मैंने बता दिया कि आपकी इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है जिसको आपने रिकनसाइल कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे ओवरकम करें। आपकी प्रॉब्लम, आपका नाम तो है हमारा, मुझे जो हमारा का मतलब समझ में आता है जिसे मारा ना जा सके, जिसे मारा ना जा सके उसे तो एनर्जी बोलते हैं। तो वेन यू रियलाइज यू आर ए एनर्जी नॉट ए बॉडी, तो आपका बॉडी से जो ओरिएंटेशन है वो हटेगा। अभी आप हर समय सोचते रहते हैं लोग मेरा वेट देख रहे हैं, कभी आपको ऐसा लगता होगा कि लोग मेरे फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं, आपको लगता है लोग बुरा मानेंगे। तो ये सब करने से पता है क्या हो रहा है, आपके अंदर एक बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है और आपका पूरा ध्यान इसी पर लगा है कि लोग क्या कहेंगे। जबकि मैंने कई बार बोला है कि सबसे बुरा है लोग, कि क्या कहेंगे लोग। तो लोगों की परवाह करने की वजह से ही तुम अपने आप को खोती जा रही हो। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारा जैसा नाम है वैसा ही तुम काम करो कि अपने आप को जो है एनर्जी समझो और लोगों की बातों को ज़्यादा फोकस करने की बजाय अपने आप को पसंद करने की तरफ बढ़ो। बाहर मत देखो, अंदर देखो और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो, है ना। बाहर देखोगे जेलस होगी, बाहर देखोगे लोग इरिटेशन होगा, एंगर होगा। इसका सबसे अच्छा जो तरीका मुझे आपके केस में लग रहा है वो ये है कि आप गाया करो। गाने के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं है, गाना आप सुबह गा सकते हो, गाना आप शाम को गा सकते हो, उससे सहजता आएगी, उससे आप नॉर्मल बनोगे, उससे आपको रिलैक्स मिलेगा, उससे आपके अंदर पीस डेवलप होगा, इरिटेशन कम होगी। तो अगर हमारा ऐसे कर सको तो मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव आएगा। एंड सर मुझे ना मतलब वही है कि लोग क्या कहेंगे, मैं वो नहीं देखना चाहती कि लोग कहते क्या हैं, बट होता है कि मैं बोलती हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ, बट स्टिल वो लोग आके ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं या मेरे बारे में बोलते हैं, फिर वो मुझे फील होता है। और सर मुझे आपके साथ एक गुड स्पीकर बनना है, आप जो बातें बोलते हैं मैं अपनी लाइफ से रिलेट करती हूँ, बट सर मैं कहीं ना कहीं वो फिर खो देती हूँ। हमारा ये एक जर्नी है, आप पहले दिन ही ऐसा बनेंगे ऐसा नहीं होता। जब मैं आपकी उम्र में था, जब मैं आपकी एज में था तो शायद आप जैसा ही था, बल्कि मैं कहूँ बिल्कुल आप जैसा ही था, घबराता भी था, इरिटेशन भी थी, है ना, बोलना चाहता था पर लोग सुनना नहीं चाहते थे, ये सब चीज़ें हर इंसान के साथ होती हैं। लेकिन अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो, अपने आप को इसको ऐसा होने दो, क्योंकि जब इस जर्नी से निकलोगे तभी आप में वो परिपक्वता आएगी, मैच्योरिटी आएगी। लोग आपको टेस्ट कर रहे हैं, लोग आपके आत्मविश्वास को देख रहे हैं, है ना। तो अपने में स्थिर हो जाओ, अपनी मस्ती में जियो, मुझे अच्छा लगता है बोलूँ, पर एट द सेम टाइम अब आपने रियलाइज़ किया होगा कि आप जब कभी बातें बोलते हैं तो उस क्राउड की मनस्थिति के हिसाब से बोलो। जब आप बोलो और लोग सुनना ही नहीं चाहे तो ऐसे बोलने से फ़ायदा भी क्या। तो जैसी क्राउड हो उसके अकॉर्डिंग उनकी मनस्थिति समझो, उनका माइंडसेट को समझो और उसी तरह के वर्ड्स और वोकैबुलरी को यूज़ करो, तो मुझे लगता है कि फिर धीरे धीरे आप उस जर्नी में आगे बढ़ सकेंगे। आप कम्युनिकेशन स्किल तभी बढ़ती है जब आप कम्युनिकेट करते हैं, आप सिर्फ सुनते हैं, सुनना भी ज़रूरी है क्योंकि सुनने के बिना कंटेंट भी नहीं आएंगे। तो एवरीडे रीड मोर, लिसन मोर एंड ट्राई टू स्पीक मोर, दिस इज़ द ओनली वे जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सको। और जीवन एक यात्रा है, उसमें से आप जब निकलोगे तो आपका जो नॉलेज है वो टेस्टेड नॉलेज होना चाहिए, तभी आपके वर्ड्स में ग्रेविटी आएगी, तभी वो मजबूत बनेंगे, है ना। तो उसका भी आप ध्यान रखो हमारा कि ये सब स्वाभाविक है, बहुत ही रीजनेबल है, पर गिव अप मत करो
और हमेशा ट्राई करते रहो, बोलते रहो, वन डे यू विल सक्सीड, आई अश्योर यू. थैंक यू सर. सर बट और कैसे मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस कर सकती हूँ और पब्लिक गुड पब्लिक स्पीकर बन सकती हूँ? हमारा जब आपको आपकी बात सुनी, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी है ना, तो मुझे एक बात समझ में आई जिस पे जो मैं सभी दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं है ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और मैं चाहता हूँ कि इसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है ना आप कन्वर्ट करें. अगर ऐसा कर सकोगे तो आपका बोलना आसान हो जाएगा. अपने आप को कुछ समझिए, अपने आप को कुछ महत्व दीजिए और इसी आशा और विश्वास के साथ कि ये जो प्रोग्राम है आप इसी तरह से अपने सवालात रखते रहेंगे और इस बियानी टीवी के माध्यम से हम चाहते हैं कि बच्चों के वो सब साइकोलॉजिकल सवाल, वो सब इमोशनल सवाल, वो जो रिलेशनशिप से रिलेटेड सवाल है, उन सवालात का हम जवाब दें और बच्चे सुलझें. क्योंकि हमारी सोसाइटी में जब बच्चे सुलझेंगे, उनका उनके डाउट्स क्लियर होंगे, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो कॉन्सेंट्रेट हो सकेंगे, वो स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस हो सकेंगे. इसी तरह से आप सवालात पूछते रहिए और हम जवाब देते रहेंगे. लेकिन इस जाते जाते एक आखिरी बात कहेंगे कि इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शायद कैंसर से भी बड़ी प्रॉब्लम है. कैंसर भी एक समय बाद इलाज किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, पर इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर तो इंसान पूरी ज़िंदगी निकाल देता है. इसलिए प्लीज़ अपने आप को इन्फीरियर मत समझिए. ईश्वर ने, अल्लाह ने कुछ ना कुछ खूबसूरत बातें हर इंसान के अंदर डाली हुई है. अपने उस पैशन को बड़ा बनाइए, उसमें फर्टिलाइज़र डालिए, उसमें पेस्टिसाइड डालिए और अपने उस पैशन को बढ़ने दीजिए. क्योंकि जो पैशन बढ़ाएगा, क्योंकि हमारी एनर्जी वहीं लगती है जहां हमारा पैशन होता है. इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने बीएससी में एडमिशन लिया था, बीकॉम में एडमिशन लिया था, बीए में एडमिशन लिया था, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा. बस अपने पैशन को बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ द काउंसलर शो में आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. इसी तरह से जुड़े रहिए और सवालात पूछते रहिए. थैंक यू.